हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांग मोगा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है आज का, वो है हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर इन एमएस विनवर्ड। कि विनवर्ड में फॉर्मेट पेंटर नाम की जो टूल है जो कि होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में पाई जाती है, उसका हम यूज करें कैसे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए। जिस तरीके से हम एक टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम उस टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। उस टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेंगे, उस टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करके और हम जहां पर भी चाहते हैं उसको उस फॉर्मेटिंग को किसी भी पैराग्राफ पर या किसी भी वर्ड पर हम पेस्ट कर सकें, जो कि मुमकिन है फॉर्मेट पेंटर की टूल की हेल्प से। फॉर्मेट पेंटर का जो टूल है वो किस तरीके से काम करता है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सपोज कीजिए कि मैं इसे प्रोवाइड्स वर्ड पर कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ। लाइक मैंने इसके आंसर को बोल्ड किया, इसको इटैलिक किया, इसको अंडरलाइन दिया और मैंने इसका फोन कलर भी चेंज कर दिया। अब जिस तरीके से मैंने इस वर्ड पर फॉर्मेटिंग की है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग, मैं जितना भी मेरा बाकी का जो पैराग्राफ है उस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। इसके लिए दो रास्ते हैं, या तो मैं इस फॉर्मेट पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके वे स्टेप दोबारा से रिवाइज करूं जो स्टेप्स मैंने प्रोवाइड्स वर्ड पर फॉर्मेटिंग करने के लिए किए थे, या तो मैं यूज करूंगा फॉर्मेट पेंटर का जो कि यूज होती है हमारी किसी भी वर्ड या किसी भी पैराग्राफ पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए। तो कैसे करेंगे, मैं इस वर्ड पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लूंगा इसको। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करूंगा फॉर्मेट पेंटर पे। जैसे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट पेंटर का जो टूल है उसके बैकग्राउंड में शेडिंग आ चुकी है, मींस कि ये जो टूल है ऑन हो चुका है। और अब जितना भी आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे उस पैराग्राफ पर सारी की सारी फॉर्मेटिंग वो हमारी पेस्ट हो जाएगी इस तरीके से। ये देखिए, जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया था उस एरिया में वो फॉर्मेटिंग मेरी कॉपी होकर पेस्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर टूल। तो फॉर्मेट पेंटर टूल का हम इस तरीके से यूज करते हैं कि वर्ड पर या किसी भी पैराग्राफ पर जो हमारी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं, अगर हम चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग कॉपी करना, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस में सी इसकी शॉर्टकट की होती है कॉपी करने के लिए फॉर्मेटिंग को, और कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में वी इसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें सीखा कि किस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर के टूल का यूज कर अपना विनवर्ड में जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो अपना टाइम को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं, और प्लीज द एजुकेशन अकेडमी को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।